भूल गई हो, अगर आपने पढ़ा हो तो। देखिए मेरी बात को समझिए आजिज भाई, श्री माशाल्लाह। रसूल अल्लाह ने गदीर, नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देखिए क्या है कि शब्दों से खेलना है ना, ये आपको भी अच्छे से आता है, मुझे भी अच्छे से आता है, मेरा प्रोफेशनल यही है, मैं दिन भर यही करता हूँ, बहुत अच्छी बात मैं है, लॉयर हूँ, बहुत अच्छी बात समझे। है। हाँ तो ये ना प्रोफेशनली, हाँ तो ये प्रोफेशनली जो शब्दों से खेलना, वर्ड से खेलना जो रहता है ना, ये मेरे को अच्छे से आता है। आप जो बोलते हैं कि भैया हम मुसलमान नहीं है, सेम सेम प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा था कि मैं जिसका मौला हूँ उसका अली है मौला, बराबर। आप लॉयर अगर होके, मैं जब गलत हूं तो एक सेकंड, अगर आप लॉयर है ना, तो माशाल्लाह आपकी जो जहनी एक लेवल होनी चाहिए ना, वो एक आम इंसान से ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। सवाल जो किया जाता है ना, उसी का जवाब दिया जाता है। एक सेकंड रोकिएगा नहीं, नहीं, मैंने उसी का जवाब दे आपसे रहा हूँ, उसी का ही एक जवाब दे रहा हूँ, सेकंड एक उसी का ही सेकंड जवाब दे रहा हूँ एक मैं। सेकंड सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आपको मौका मिलेगा। आप मुझे ये बताइए कि आपके दोस्त मलिक सुरानी कहते हैं कि रसूल अल्लाह है आगा खान, मलिक और सुरानी है, आप नाम भी गलत है यू आपा, उसका नाम मलिक सयानी है, सुरानी मलिक थोड़े हो सयानी। ओके ओके आपा। मलिक, सही है, आप लोग के तो सरनेम मैच हो रहे, हाँ आपा माजरत के साथ, कोई बात नहीं है। मलिक सयानी जो है वो, ये आपके जो जी, दोस्त हैं, बड़ी जिगरी हाँ दोस्त जी, हैं। एक मिनट चुप कीजिए ना, मैं बात कर रही हूँ, हाँ आप बीच में बोल क्यों रहे हैं, बात तो करने दो ना मुझे। इस तरह से तो नहीं ना आप वकालत करते होंगे, अपने जज के सामने जज बात कर रहा है, आप उसको टोक रहे होंगे, ऐसा तो नहीं करते ना आप। हाँ तो मुझे ये बोलिए, बताइए मैं कि चुप बैठा हूँ भैया, आप बोलिए बिल्कुल फिर बिल्कुल मुझे। चुप हो जाइए, खामोश हो जाइए। आपके दोस्त मलिक सयानी कहते हैं कि करीम आगा खान जो है वो रसूल अल्लाह है, आप उनकी ही पोस्ट पे वकालत करने आए हैं और आप मुझे कह रहे, पहले तो आपको अपने दोस्त मलिक एक सयानी सेकंड कोई, मैडम, किसी नहीं एक मेरी सेकंड, बात एक कंप्लीट नहीं सेकंड, हुई होल्ड है। डाउन होल्ड डाउन होल्ड डाउन, एक सेकंड एक मैडम सेकंड, जस्ट नहीं होल्ड नहीं डाउन, नहीं मैंने नहीं किसी ऐसे नहीं वकालत नहीं होगा। की है आपका, आपका एक सेकंड, मैंने मलिक सैनी के वीडियो पे कोई कमेंट हो उसका जवाब देने के लिए मैंने आपको बोला है कि मेरे से बात करनी है, ना ही मैं मलिक सैनी की कोई वकालत करने आया हूँ। पहली बात, मैं मेरा जो कंसर्न है वो क्लियर करने आया हूँ, तो उसमें आप मलिक सयानी को लाके उसका वकील बना के इस तरीके से आप मत बोलिए आप, तो फिर आप मुझे ठीक है। पहले और ही दूसरी बात रही कि हम, हाँ, और दूसरी बात रही कि आप कह रहे हो कि हम मुसलमान हैं, तो आप प्रूफ कीजिए कि हम कैसे मुसलमान नहीं है करके। आप कहाँ के वकील हो आपको तो मेरे बहुत भाई, बड़ा, आपको तो बहुत सारा नॉलेज है अजीज सुरानी साहब, भाई, आप कहाँ के हो उसमें, अजीज सुरानी आप भाई कौन से बात तो सुन मुसलमान हो जो लीजिए। दूसरे मुसलमान को कहते हो। अजीज सुरानी साहब, माशाल्लाह वकालत करने वाले बोलिए का जो जहन होना चाहिए ना, वो बहुत ही हायर लेवल पे होना चाहिए। आप वकील हो, लेकिन बहुत माजरत के साथ इस तरह वकालत नहीं की जाती है, ओके, ठीक है। आपसे सवाल ये किया गया था कि आप आपने सिखा दीजिए कहा, ना मुझे, आप मैं सिखा सिखा रही हूँ, दीजिए। हाँ बिल्कुल सिखा रही हूँ, बिल्कुल, सीखने के लिए सुनना पड़ेगा आपको, आप तैयार है सुनने के लिए। और आपको भी, और आप भी सीखने के लिए तैयार रहिए। मैंने तो एक दफा नहीं कहा कि मैं सीखना चाहती हूँ, आपने अभी सबके सामने कहा है कि आप सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको सिखा एक रही सेकंड, हूँ। मैंने, एक सेकंड, पहली बात तो मुझे कोई टीचर की जरूरत ही नहीं है, तो अभी क्यों कह रहे कि आपने मैं कोई सीखना, टीचिंग तो स्कूल खोल रखा है क्या, आपने ऐसा क्यों कहा कि मुझे सीखना है? आपने कोई टीचिंग ऐसे स्कूल, वकालत करेंगे, आपने कोई टीचिंग स्कूल खोल रखा है ऐसे क्या, आप वकालत करेंगे अजीज सुरानी साहब, ऐसे उसका वकालत छोड़ दीजिए मेरे करेंगे? प्रोफिट, नहीं, मैं इंसान देख के वकालत करता हूँ, मैं अच्छा इंसान देख के, आदमी देख के बात करता हूँ, आप पहली बार, हाँ अच्छा चलिए एक जैसे काम खुदा करते बराबर, हैं, जैसा जैसे इंसान हो वैसा मैं जवाब देता हूँ। अच्छा एक काम करते हैं, बोलिए अभी आप सोचिए कि आप जो है वो बोलिए, आगा खान के वकील हैं, बनेंगे उनके वकील? नहीं मैं कोई, नहीं, मुझे उनके वकील बनने की जरूरत भी नहीं है, मैं कच्चा एक अच्छा केस है, इंसान हूँ और एक अच्छा स्माइली हूँ, कच्चा मुझे केस इस्लाम है, का, हाँ मैं, केस मुझे हार आपकी तरह जाएंगे इस्लाम इसलिए का वकील ढिंढोरा, नहीं बने। सुनिए मुझे इस्लाम की तरह ढिंढोरा, एक एक मिनट सेकंड, एक मिनट, मुझे आपकी तरह इस्लाम का ढिंढोरा पीटने की आदत नहीं है, इस्लाम होगा तो आप मेरे ढंडोरा वकील को पीटोगे ढिंढोरा ना, पीटती हो, आगा खानी मजहब इस्लाम नहीं है ना, इसका ढंडोरा हाँ तो तुम पीट इस्लाम नहीं का सकते ढिंढोरा, अब। हाँ अच्छा चलो एक सेकंड वो तो आप पीट रहे हो ना ढंडोरा के, भैया वो लोग मुसलमान नहीं है करके, अजीज वो तो आप भाई, पीट रही हो, अजीज हमने भाई, तो कभी ढिंढोरा का भी नहीं है। लाइव प्रोग्राम चल रहा है, जरा सब्र से बात करते ताकि लोगों को समझ आए कि बात क्या चल रही है। देखिए आगा नहीं खान नहीं का आप तो वकील गलत अपनी बनना बात नहीं बताइए, आपके वो तो लिए वर्ड टोन बात करेंगे, एक एक, मिनट, अपनी जो बात हुई थी वो मेरी तो बोल आपसे रहा हूँ, वर्ड बात, टोन बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें आप तीन चार मुल्लाओं को या मुफ्ती को लेके आओगे कोई तो, नहीं हाँ है, ना मुल्ला है ना आप मुफ्ती किसी है, मुल्लाओं को आप मुफ्ती लोगों को की लेके कोई आओगे, भी कमजोरी यहाँ आप पे अपनी, नहीं है। देखिए अलहमदुलिल्लाह मेरे को जितना नॉलेज है, हाँ देखिए नॉलेज अलहमदुलिल्लाह है नहीं मुझे ना। जितना नॉलेज है उतना मैं जवाब दूंगा, ठीक है,
हाँ जितना मुझे नॉलेज है उतना मैं आपको जवाब दूंगा। ओके इस तरीके से मुझे अपनी मार्केटिंग या अपने धर्म की अपनी कम्युनिटी की मार्केटिंग करने का हमको कोई शौक नहीं है। पहली बात बोलो। हाँ बोलो, बोलो। आप जो करते हो मार्केटिंग करते हो। मैं बोल चुका। बोल दिया। अब आपकी बारी है बोलने की। अब आप बोलेंगे नहीं बीच में। हाँ बिल्कुल। अब आप बोलेंगे नहीं बीच में। बिल्कुल। अच्छा अच्छा जी बिल्कुल। सवाल आपने मेरे साथ कुछ किया नहीं है, ठीक है। मैं आपसे सवाल 4 दफा कर चुकी हूँ कि आप लोगों के यहाँ क्या आगा खान को रसूल अल्लाह माना जाता है, और अगर नहीं माना जाता तो क्या आपका दिल इतना नहीं करता कि आप अपने दोस्त मलिक सयानी को यह बोल सके कि तुम होते कौन हो रसूल अल्लाह की जगह आगा खान को बिठाने वाले? ईमान मर गया। हमने तो कहा भी नहीं कि हमने रसूल अल्लाह की जगह आगा खान को बिठा दिया। एक सेकंड। हमने ये नहीं कहा कि हमने रसूल अल्लाह की जगह आगा खान को बिठा दिया। सुना नहीं आपने? हमारे इमाम ने कहा कि भैया वो रसूल अल्लाह है करके। अपने अपने दोस्त की बात नहीं सुनी थी? भैया वो रसूल अल्लाह है। सुनवा दूं, दोबारा सुनवा दूं? मेरे दोस्त की बात क्यों कर रहे हो आप? अपनी बात कीजिए। अरे आप अपनी बात कीजिए, आप अपनी बात कीजिए। मिस्टर वकील साहब, मिस्टर वकील साहब सांस ले लो। आप अपनी बात कीजिए। मिस्टर वकील साहब बात सुन लीजिए। जब एक इंसान जो है वो अपने दोस्त की गलती नहीं सुधार सकता क्योंकि वो उसका दोस्त है और वो मजहब पर बात आपने सुनना नहीं है। नूर अली भाई ये जरा एक सेकंड, मैं इनको जरा आप जरा चुप करें। नूर अली भाई ये जो जनाब अजीज हैं ये तो सांस भी नहीं ले रहे, तो इनसे बात कैसे की जाए? एक इंसान कहता है मैं वकील हूँ, तो उसको इतने मैनर्स तो होने चाहिए कि जब एक इंसान बात कर रहा है तो उसको बीच में ना टोके। अब इनसे बात कैसे करो? आप इनको पकड़ के तो ले आए, आपने कहा ये मुझसे बात करना चाहते हैं, लेकिन ये बात ही नहीं करना चाह रहे। अभी क्या, अभी वो उनके पास जवाब नहीं तो क्या करेंगे? अब क्या करें? जवाब है क्या है कि शब्दों को जो आप जो खेल रहे हो ना, ये मैनिपुलेट करने का काम, तो जवाब तो मैं आपको यही दूंगा। मैं तो क्या खेला? हाँ, मैंने पहले इन्होंने पहले मुझे सवाल किया कि भैया मुसलमान नहीं है, तो आप प्रूफ कर दीजिए मुसलमान कैसे नहीं। भैया हमने तो प्रॉफिट मोहम्मद की जगह आगा खान को बिठाया नहीं। अच्छा, है हमने तो ये नहीं कहा कि वो रसूल है करके। मैं प्रूफ कर दूं? आप इस्लाम के ठेकेदार हो? नहीं, मैं आपकी इस्माइली दुआ से प्रूफ करता हूँ ना आपको। नहीं मगर आप इस्लाम के आप हो कौन, पहली बात तो बताओ। कोई मुल्ला हो, कोई काजी हो, कोई मुफ्ती हो, कौन हो आप? मैं दाई हूँ। दाई हो? किसने आपको बोला कि भाई दाई करने के लिए? अल्लाह ने, अल्लाह ने बोला। अल्लाह ने कहा, वेरी गुड। तो अल्लाह ने, हाँ अल्लाह ने तो मैं एक हदीस पढ़ के, हाँ तो मैं एक हदीस पढ़ के सुना देता हूँ आपको। एक एक ही शॉर्ट बहुत। आप मुझे पहले उस बात का इस तरीके से किसी भी कम्युनिटी को इस तरीके से ब्लैकमेलिंग करना ये अच्छी बात नहीं है। ब्लैकमेलिंग कर रहे भाई हम लोग? अरे भाई ब्लैकमेलिंग है मेरे भाई। हाँ आपको अगर इतना शौक है इस्लाम का, एक मिनट फरमाया, चलो आपका प्रोग्राम बुलाए। अच्छा दूसरी बात, आपको इतना शौक है ना इस्लाम का? नहीं भाई अपने भाई मेरे आप मेरा तो छोड़ दो ना भाई मेरे। आपने पढ़ा है? इसलिए तो बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ तो कुरान में ये भी लिखा गया कि भाई दूसरे दिन की गिला कीमत नहीं करनी चाहिए, वो तो आप कर रहे हो। आप तो दूसरे दिन की गिला कीमत ही कर रहे हो मेरे भाई, तो आप तो खुद ही पहली बात तो गुनहगार हो अजीज भाई। पहली बात गुनहगार हो अजीज भाई दूसरी दूसरी बात कर रहे हो। हाँ जी आपके पास कोई जवाब है नहीं, आप तो सिर्फ लड़ने आए हो ना, आपने कोई जवाब देना है ना? देखो मैं जवाब उसी इंसानों को देता हूँ जो उस लायक के हो। तो फिर फोन क्यों किया? हाँ, जब आप समझ, एक सेकंड अब मेरा मुंह मत खुलवाइएगा। एक आदमी अच्छा काय का फिनिश? मुल्लों को तो तुम लोगों को बहुत ही तकलीफ है मुल्लों से ना। मुल्ले तुम लोगों को इस्लाम सिखाते हैं इसलिए तुम लोगों की जलती है। इमाम से कभी इस्लाम सीखा नहीं ना? अब जब कभी इमाम से इस्लाम नहीं सीखा, हमारी तो बिल्कुल जलती है। जलती आप लोगों की है, जलती आप लोगों की है बॉस। अजीज भाई जलती आप लोगों की है बॉस। चले अजीज भाई को जरा स्क्रीन पर दिखा देते हैं। एक मिनट रुकिए, जरा लाइव प्रोग्राम चल रहा है, मैं जरा लोगों को बताऊं कि हम बात किससे कर रहे हैं। अजीज सुरानी बिल्कुल दिखा दो। अच्छा अरे सबर करो ना मेरे वकील भाई वकालत तुमने सीख ली, इस्लाम तुमने 2% का भी नहीं सीखा। इमाम को बोलो तुम्हें सिखाए कि बात कैसे करते हैं। एक सेकंड ना अजीज भाई, एक मिनट सांस लो
मुझे ये बताओ कि आपके इमाम ने आप लोगों को वजू करना भी सिखाया है कभी, उस इंसान ने जिसको तुम इमाम मानते हो, अहले बैत मानते हो, वजू का तरीका आता है? मैं क्या पूछ रही हूँ, जब एक इंसान पाक ही नहीं है, एक सेकंड ना, अब भागना नहीं, भागना नहीं, मुझे ये बताओ कि जब तुम्हारे इमाम ने तुम्हें इंसान बनना, पाक होना नहीं सिखाया, उसको इमाम कैसे मानते हो? मुझे बता दो, आपको आपके इमाम ने वजू करने का तरीका सिखाया है? आप आगा खानियों में से कौन वजू करके जमात खाने जाता है, कौन गुसल करके जाता है, जिस हालत में, गंदी हालत में सो रहे होते हो, सुबह उठते हो उसी शक्ल में? एक सेकंड, वजू का मुझे तरीका बताओ कि आप जब जाते हो रात को, आप जिस कंडीशन में भी अपनी बीवी के साथ होते हो, सुबह उठ के अल्लाह के आगे खड़े हो जाते हो नमाजें पढ़ना, मुझे बताओ वजू का तरीका आता है कि नहीं आता? आपको आता है? बिल्कुल आता है। आप मुझे बताइए, आपके इमाम ने, आपके इमाम ने आपको वजूद सिखाया है कि नहीं सिखाया? डोंट पुट इट लाइक दिस, पुट दिस लाइन लाइक दिस। उस चीजों की सिखाने की कोई जरूरत नहीं, वो हर एक जना जानता है, अगर एक मुसलमान हो। अच्छा, चले बताइए अजीज भाई, वजू में आप लोग पहले क्या करते? मैं अभी आपको झूठा प्रूफ कर सकती हूँ, आप वकील काय के वकील हो? एक सेकंड, अगर वकालत आती है ना तो जवाब दलील से और प्रूफ से देना होगा। मुझे ये बताइए अजीज भाई कि आप वजू में सबसे पहले क्या करते? एक बात बताओ अजीज भाई, सवाल जज, अगर अल्लाह सुभान ताला इस वक्त हम दोनों को देख रहे, मैं आपको अल्लाह के सामने ये पूछ रही हूँ कि आप वजू में, आप वजू बताओ मुझे। बस हवा निकल गई, जहाँ पे वकील साहब से कहा कि वकील साहब मुझे आप जो है वो दलील दो, सबूत दो कि आप वजू करते हो, वहाँ वकील साहब की हवा निकल गई, वकील साहब ठंडे हो गए, वकील साहब अब आप जो है ना वो जितना मर्जी चीफ हो, एक सेक, नहीं 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 नहीं, अब आप जो है ना वो, मैं बताऊँ एक बात आपको, दुनिया में लोग पैसे देके वकालत करवाते हैं, लेकिन आप अपने मजहब का भी वकील से इतना नहीं बन सकते। आपको ये भी नहीं पता कि एक बेसिक फंडामेंटल जो मुसलमान के हर बच्चे को आता है, आप उसका एक पॉइंट नहीं मुझे बता पा रहे हो कि वजू में पहला आप क्या करते हो। अगर आप सच्चे हो और आपके इमाम ने आपको वजू सिखाया है तो बोलते क्यों नहीं एक लफ्ज? मैंने आपसे टॉपिक एक ही दिया था, मैंने टॉपिक आपको ये दिया था कि हम बात करेंगे इस्लामिक और टेररिज्म पे, और आप बात, मैं इस्लामिक, इस्लाम पे ही बात कर रही हूँ। जिस इंसान को वजू नहीं आता, मैं उससे इस्लाम पे क्या, टेररिज्म तो वो उसको समझाया जाएगा ना जिसको इस्लाम समझ आएगा। एक सेकंड अजीज भाई, जिसको इस्लाम समझ नहीं आया उसको क्या, इस्लाम, इस्लाम, इस्लाम पर बात करें, जिसको इस्लाम समझ आ जाएगा ना उसको ये पता चल जाएगा कि टेररिज्म का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। तो मैं आपको इस्लाम का पूछ रही हूँ कि आप इस्लाम के फंडामेंटल, मुझे एक बात बताओ, फिर सारे टेररिस्ट मुस्लिम ही क्यों? अच्छा, फिर सारे टेररिस्ट मुस्लिम ही? आपके इमाम ने जवाब दिया ना बीबीसी को? मैं दे रही हूँ, आपके इमाम ने क्या बोला बीबीसी इंटरव्यू में? बात सुनो, बीबीसी का इंटरव्यू था, मार्क टेनिंगटन नाम था उसका, मार्क टेनिंगटन के साथ उसका जो है वो इंटरव्यू है, उसने भी ये सवाल किया कि ऐसा क्यों है कि इस्लाम को टेररिज्म के साथ जोड़ा जाता है। आपके इमाम ने क्या जवाब दिया? Those people who don't know about Islam and the teachings of Islam, they claim that Islam is a terrorist and extremist religion. तो आपके इमाम को नहीं पता इस्लाम जो है वो टेररिस्ट ग्रुप है, मुसलमान सारे टेररिस्ट होते हैं? वहां तो आपके इमाम जो है वो सबको क्या कहते हैं, दरस दे रहे हैं कि इस्लाम का टेररिज्म से ताल्लुक नहीं, और यहाँ पे भक्त, अंधे भक्त जो है वो मुसलमानों से पूछ रहे हैं कि तुम लोग टेररिस्ट हो। तुम लोगों को यही सिखाया जाता है कि मुसलमान ना बनना, आका खानी बनना, क्योंकि मुसलमान जो है वो टेररिस्ट होता है। तुम लोगों में और हिंदुओं में क्या फर्क हुआ? हिंदू भी तो यही बोलता है कि मुसलमान टेररिस्ट है, तो फिर आगा खानी भी तो यही तो बोल रहा है, तो आगा खानी, एक सेकंड नूरुल्लाह भाई, फिर इस शख्स में, अजीज सुरानी में और एक हिंदू भक्त में क्या फर्क हुआ? हिंदू भी हमारे ऊपर यही इल्जाम लगाता है कि इस्लाम एक टेररिस्ट और आतंकवादी मजहब है, और ये अजीज सुरानी भी यही कह रहा है, तो ये क्या खुद को मुसलमान नहीं बोलते? ये क्यों ये कह रहा है कि सारे मुसलमान जो है वो टेररिस्ट है? आप मुसलमान नहीं हो? नहीं कहा कि सारे मुसलमान ही टेररिस्ट है, तो फिर क्यों सवाल कर रहे हो? मुसलमान टेररिस्ट से नहीं, सवाल क्यों कर रहे हो फिर? ये बात, बैन का पॉइंट गुड वैलिड है, फिर सवाल क्यों कर रहे हो? बैन का पॉइंट, अगर तुम्हें पता है कि मुसलमान टेररिस्ट सारे नहीं होते और जो होते हैं वो मुसलमान नहीं होते, तो फिर ये सवाल करने का क्या मकसद था? मैंने सवाल किया था वजू पर,
मुझे उससे हटाओ नहीं मर अजीज सुरानी, लफ्जों का खेल तुम्हें आता है तो मुझे भी इस आगा खानियों से निपटने आता है, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे इमाम ने, अरे बहुत अच्छी बात अगर आपको आती है तो मुझे बताओ ना वजू में क्या करते हो, वजू में पहली चीज क्या करते हो, ये वजू नहीं, ये वजू पे नहीं आएगा। हाँ हाँ गूगल कर लो, अब अगले दफे आओगे तो वजू पे सवाल नहीं होगा, वजू पे सवाल नहीं होगा। अब अगर 5 मिनट के बाद आओगे ना तो वजू पे सवाल नहीं होगा। जो शाबाश, वजू का सवाल नहीं होगा। अब अगला सवाल होगा, जो सच कर किया, शाबाश, बिल्कुल मंजूर 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 आपा, जाओ भाई जाओ, निकल गई वकील साहब की हवा, निकल गई हवा, हवा निकल गई अजीज साहब की, जाओ जाओ, अभी गए नहीं है, गए नहीं आप जी। नूर अली भाई हम लोग लाइव चल रहे हैं, ये मैं अजीज साहब की प्रोफाइल भी दिखा देती हूँ स्क्रीन पे। इन लोगों में और फिर हिंदुओं में क्या फर्क हुआ, हिंदू भी कहता है इस्माइली आगा का, मुसलमान जितने भी हैं वो टेररिस्ट हैं, और ये खोजा भी यही कह रहा है, तो फिर ये अपने आप को मुसलमान क्यों बोलते हैं? ये मलिक सयानी के टॉपिक से ऐसा हटा, फिर वजू के टॉपिक से कैसा हट रहा है, इसको वजू का पूछा, इसको टेररिज्म याद आ गया, क्यों? टॉपिक डाइवर्ट करने की आदत है। जवाब नहीं था ना, वजू कभी इमाम ने सिखाया हो तो वजू आता हो ना, करेक्ट। चलें ये आते तो देख लेते, मैं जरा, हाँ बोलिए, वो आपको आपको कॉल करने वाला नंबर पर आपके, मेरे कॉल नहीं, भाग गया वो, अब नहीं आएगा, ये क्या बोल के गया, नंबर पे कॉल करने वाला वो डाइवर्ट, उनको पता लग गया लाइव स्ट्रीम चल रही है। आ गया तो मुझे दोबारा कॉल पे ऐड कर दीजिएगा, ये मैं स्ट्रीम जो है वो एंड कर देती हूँ। ओके अस्सलाम वालेकुम, ठीक है चले, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ये थे अजीज सुरानी, मलिक सयानी के दोस्त, और इनको जो तकलीफ हुई थी वो मलिक सयानी की पोस्ट से हुई, जहां मैंने इनसे ये सवाल किया कि आपका दोस्त मलिक सयानी कहता है कि आगा खान जो है वो रसूल अल्लाह है, तो ये वहां से हटते हटते और टेररिज्म पे आ गए, एक भी जवाब नहीं दिया। अजीज सुरानी वकील होंगे इस दुनिया में, पैसे खा के झूठ बोल लेते होंगे, लेकिन वो आगा खानी रिवर्ट्स से, जो हम रिवर्ट्स हो चुके हैं उनसे कभी झूठ नहीं बोल सकते। अल्लाह सुबहान तआला की किताब हमारे पास है, और इसी वजह से हम लोग हमेशा हक पर हैं, और जो अल्लाह की किताब से हट कर कोई और मजहब लेके आएगा वो हमेशा मिटेगा, बातिल रहेगा। अल्लाह अकबर, हम दोबारा जो है वो एक और आगा खानी को ये साबित करने में कामयाब हुए कि उसका मजहब दोगला है, उसका मजहब झूठा है। सबका बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।